नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड बाबा नगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। पुलिस सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों से जन जागरूकता का प्रयास जारी। पहले दिन रैली निकालकर किया गया लोगों को जागरूक। 24वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन तिवारी। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर अर्पित किए श्रद्धा के फूल। शराब पार्टी कर्मचारी युवकों को पड़ा महंगा। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने धर दबोचा, भेजे गए जेल। और दुर्गेश हत्याकांड का मुख्य आरोपी को पटना से बक्सर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 20 दिसंबर को गोली मारकर हुई थी हत्या। विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। काम धेनु नैक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। पुलिस सप्ताह के पहले दिन मंगलवार को जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया गया, जिसके बाद नगर में जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली को आगे के लिए रवाना किया। रैली में लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। वहीं जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराबबंदी को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस केंद्र में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलिस पब्लिक चौपाल, महिला सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान के अलावा पौधारोपण के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में गोद लिए गए गांव के उत्थान से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शाहबाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित मोहन तिवारी की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन चौसा प्रखंड अध्यक्ष राजा रमन पांडे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित मोहन तिवारी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश सचिव तथा उनके शिष्य कामेश्वर पांडे ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मोहन तिवारी समाज के हर व्यक्ति के प्रति समान दृष्टि रखते हुए हर वर्ग और हर तबके के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। इस दौरान वक्ताओं ने मोहन तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला, साथ ही साथ उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा ने की। औद्योगिक थाने की पुलिस ने शराब के नशे में पार्टी कर लौट रहे 4 युवकों को धर दबोचा है, जिन्हें मेडिकल जांच के बाद नशे में पाए जाने की पुष्टि होने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नियमित जांच अभियान के दौरान एक कार की तलाशी ली गई, जिसमें बैठे 4 युवक को शराब के नशे में पाया गया। उनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया, जहां शराब पीने की पुष्टि होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। पूछताछ में सभी ने बताया है कि वह शराब पार्टी कर लौट रहे थे, इसी दौरान चेकिंग चल रही थी और वे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बक्सर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने दुर्गेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी पुलिस इसमें कुछ भी विशेष बताने से परहेज कर रही है। पुलिस के मुताबिक दुर्गेश हत्याकांड के एक आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया गया है और बहुत जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आपको बताते चले कि पिछले 20 दिसंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 11 नंबर लग के पास कुरानसराय थाना के बैरिया गाँव के रहने वाले दुर्गेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें महदा गाँव के रहने वाले अरुण यादव का भी नाम सामने आया था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर अब तक जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसे अब पटना से बक्सर पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन बक्सर के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कुल 20 मांगों को रखा गया, जिनमें प्रमुखता से वर्ष 2014 से लेकर 2021 तक का बकाया केंद्र के किरायों को शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रही सेविकाओं ने बताया कि अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार द्वारा 7,000 सेविका एवं 4,500 सहायिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दिया जाए। इसके अलावा पोषाहार की राशि सभी वास्तविक लाभुकों के लिए वर्तमान बाजार से उपलब्ध कराई जाए। प्रदर्शन कर रही सेविकाओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 8 मार्च को बक्सर में, उसके बाद पटना में विधानसभा का भी घेराव करेंगी। आज हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे परियोजना स्तर से
बहुत सी ऐसी जो हमारी राशि है जो भुगतान नहीं किया जा रहा, हम लोग 2015 से ही बहुत ही परेशान है। कई बार हम लोगों ने आवेदन दिए है ना, पर परियोजना पदाधिकारी इस बात को इनकार कर दे रहे हैं, कह रही हैं बार बार कि हमारे पास आवंटन नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 14, 15 और 15, 16 और 16, 17 और 2020 और 21 का अभी तक हम लोग को किराया भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोगों को मानसिक रूप से है ना बार बार मकान मालिक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जिले में पशु तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की लाख चौकसी के बावजूद भी पशु तस्कर अपने कारनामे को बड़े सफाई से अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला डुमराव थाना क्षेत्र के टड़की पुल के समीप का है, जहां मवेशियों से लदा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुर्घटना सुबह में हुई। विक्रमगंज से डुमराव की तरफ आने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 120 पर टड़की पुल के पास अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मवेशी कहाँ से लाए जा रहे थे और इन्हें कहां ले जाया जाना था। हालांकि वाहन पलटने के बाद मौके से चालक फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि पुलिस फिलहाल इसे पशु तस्करी का मामला मानने से परहेज कर रही है और यह कह रही है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है।